हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव लाइव विथ वंदना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेस्टिवल सीज़न शुरू हो गए हैं और हम सभी फेस्टिवल्स की तैयारी में लग गए हैं। जैसे जैसे हम फेस्टिवल्स के लिए अपने घर की सफाई शुरू करते हैं तो कोई ना कोई कबाड़ हमारे घर से निकलते ही जाता है। तो इस बार इन सभी कबाड़ का यूज़ करके हम आने वाले फेस्टिवल्स के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से DIYs बनाएंगे। इन्हीं कबाड़ और वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके हम बहुत ही कम बजट में एक से बढ़कर एक होम डेकोर अपने घर में बना सकते हैं। कभी भी हमारे घर में मिठाई वगैरह आती है या रसगुल्ले वगैरह आते हैं तो इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर हमारे घर में काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरे पास भी एक रसगुल्ला का कंटेनर था, तो इसका इस्तेमाल करके मैं बहुत ही प्यारा सा ट्रेडिशनल DIY बनाने वाली हूँ, जिसे कि हम अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसके लीड वाले पोर्शन को हाफ कट कर लूँगी कुछ इस तरह से, और ये इजीली कट जाता है क्योंकि ये प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, तो हम इसे आसानी से कट कर सकते हैं। तो इस तरह से कट करने के बाद अब मैं इसे पेंट करूँगी। तो पेंट करने से पहले हमें इसके ऊपर एक कोट जैसे अप्लाई करना होगा, क्योंकि इस प्लास्टिक का सरफेस काफ़ी ज़्यादा चिकना है, तो हम इसके ऊपर अगर डायरेक्टली पेंट करते हैं तो वो पेंट कुछ ही दिनों में निकल जाएगा। तो इसे लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए हमें इसके ऊपर एक कोट जैसे अप्लाई करना होगा। तो किसी भी प्लेन सरफेस पे अगर आप पेंट करते हैं तो उससे पहले आप एक कोट उस पर जैसो ज़रूर अप्लाई करें। इससे आप देखिएगा कि आपका पेंट काफ़ी समय तक अच्छे से ऐसे ही चलते रहेगा। तो ब्रश से जैसो अप्लाई करने के बाद मैं इसे स्पंज की हेल्प से अच्छे से इवन कर लूँगी, ताकि इसका एक नीट लुक निकल कर आए। और कम्प्लीटली जैसो अप्लाई करने के बाद हम इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब हम करेंगे इसे पेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंटेनर अच्छे से ड्राई हो गया है, तो अब मैं इसे कर ले रही हूँ पेंट। तो मैं इसे टेराकोटा कलर से पेंट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपने पसंद से किसी भी कलर से इसे पेंट कर सकते हैं। हम इस कंटेनर को और इसके लिड को अच्छे से पेंट कर लेंगे, और पेंट करने के बाद हम इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे। और जब पेंट अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हम करेंगे इसके ऊपर टेक्सचर आर्ट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही कई सारे होम डेकोर DIY शेयर करती हूँ, और अभी आने वाले फेस्टिवल्स में आप सभी को एक से बढ़कर एक DIYs देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं उसके ऊपर टेक्सचर आर्ट। तो यहाँ पर मैं होममेड टेक्सचर पेस्ट का यूज़ कर रही हूँ, और इस टेक्सचर पेस्ट का DIY मैंने पहले अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा। आप चाहें तो मार्केट में मिलने वाले टेक्सचर पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं अपने ज़्यादातर DIYs में होममेड ऑप्शन ही चूज़ करती हूँ, जो कि सस्ते होते हैं। स्टेंसिल की हेल्प से कोई भी टेक्सचर ऐड करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, और ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो आप देख ही सकते हैं ये कितने अच्छे से स्टेंसिल वर्क इस पर उभर कर आया है। तो अब इस तरह से हम इस कंटेनर के ऊपर भी स्टेंसिल ऐड कर लेंगे। तो जब कभी भी आप स्टेंसिल ऐड करें तो एक बार करने के बाद स्टेंसिल को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप उसे फिर से यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपका आर्टवर्क ख़राब हो सकता है। पूरे कंटेनर के तीनों साइड में इसी तरह से स्टेंसिल आर्ट कर लूँगी, और उसके बाद हम इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। चलिए अब हम इसे थोड़ा और सुंदर बनाते हैं। तो इसे और सुंदर बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मिरर, और मिरर से तो आप जानते ही हैं कि कोई भी DIY में जान आ जाती है। आप चाहें तो मिरर वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, पर मुझे मिरर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने सभी आर्टवर्क में मिरर का यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स, आज से मैं आप सभी के साथ रोज़ एक होम डेकोर DIY शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आने वाले फेस्टिवल्स के लिए, अपने घर को सजाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही सारे DIYs आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी और बजट फ्रेंडली होने वाले हैं। मैं आप लोगों के लिए अगर इतना कर रही हूँ तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आता हो तो कमेंट वगैरह ज़रूर किया कीजिए, और अगर वीडियो में कोई कमी भी दिखती है तो उसे भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मैं अपने वीडियोज़ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। कुछ इस तरह से हमारा आज का ये खूबसूरत सा DIY बनकर रेडी हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के प्लांटर्स अगर आप फेस्टिवल सीज़न में अपने घर में डेकोरेट करते हैं, तो बाहर से अगर कोई भी गेस्ट आपके घर में आएगा तो वो एक बार ज़रूर पूछेगा कि आपने ये कहाँ से लिया है।
फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।